फर्मेंटेशन कराया जाता है ईस्ट में पाए जाने वाले दूसरे एंजाइम और उसका नाम क्या है, जाइमेज के द्वारा, तो क्या प्राप्त होता है, एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। बच्चों यहां आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो अभिक्रिया होती है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फर्मेंटेशन जाइमेज की उपस्थिति में, इसमें वायु उपस्थित नहीं होनी चाहिए। अगर वायु उपस्थित होगी तो एथिल अल्कोहल का पुनः ऑक्सीकरण हो जाता है एसिटिक अम्ल में और अल्कोहली पेय पदार्थों का जो स्वाद होता है वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, एथेनॉल जो है वो एक रंगहीन द्रव है और इसका कथनांक 351 केल्विन होता है और इसका प्रयोग जो है वो पेंट और वार्निश के लिए विलायक के रूप में तो किया ही जाता है और बहुत सारे कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। औद्योगिक एथेनॉल में कुछ मात्रा कॉपर सल्फेट की मिला दी जाती है रंग प्रदान करने के लिए तथा एक दुर्गंध युक्त तरल पिरिडीन इसमें मिला दिया जाता है इसको पीने के अयोग्य बनाने के लिए और इस प्रक्रम को बच्चों अल्कोहल का विकृतीकरण कहते हैं। ठीक है, और आजकल एथेनॉल जो है वो सबसे ज्यादा एथीन के जल योजन से बनाया जाता है। ठीक है, एथीन की जब जल से अभिक्रिया की जाती है तो एथेनॉल प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं और बच्चों पढ़ते हैं आइडोफॉर्म अभिक्रिया और देखते हैं कि किस प्रकार ये सहायक है एथेनॉल और मेथेनॉल के विभेद करने में। तो बच्चों जब एथेनॉल को आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के यानी NaOH के तनु जलीय विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो आइडोफॉर्म बनता है और आइडोफॉर्म पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। यहाँ पे इस डेफिनेशन को मैं थोड़ा सा और जनरलाइज कर देती हूँ। तो बच्चों वे अल्कोहल जिनमें CH3CHOH समूह पाया जाता है वे जब अभिक्रिया करते हैं आयोडीन के साथ और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब उन्हें गर्म किया जाता है तो आइडोफॉर्म बनता है। यहाँ पे बच्चों अगर R हम लगा दे कार्बन की बैलेंस सेटिस्फाई करने के लिए तो R यहाँ पे हाइड्रोजन भी हो सकता है, कोई एल्किल समूह भी हो सकता है और एरिल समूह भी हो सकता है। तो जब ऐसे अल्कोहल जिनमें CH3CHOH समूह पाया जाता है वो आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो देखिए ट्राइआइडोमीथेन आइडोफॉर्म का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनता है, सोडियम आयोडाइड बनता है और जल प्राप्त होता है। क्योंकि एथिल अल्कोहल में CH3OH समूह पाया जाता है इसीलिए यह आयोडीन और NaOH के साथ अभिक्रिया करके आइडोफॉर्म बनाता है और पीले रंग का अवक्षेप हमें प्राप्त होता है। पर मेथेनॉल में अल्फा कार्बन अनुपस्थित होता है, यहाँ देखिए CH3CHOH समूह नहीं पाया जाता इसीलिए मेथेनॉल जो है वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। तो बच्चों इस आइडोफॉर्म टेस्ट की सहायता से हम दो प्राथमिक अल्कोहलों में विभेद कर सकते हैं, हेमेथेनॉल और मेथेनॉल में विभेद कर सकते हैं बच्चों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है जो आपके बोर्ड परीक्षा में और प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए और अभ्यास करना, इसको लिखने का अभ्यास करना सीख लीजिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाएं और उसके अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ते हैं विलियमसन ईथर संश्लेषण। तो बच्चों इस विधि से फिनॉलों को ईथर में परिवर्तित किया जाता है। सबसे पहले फिनॉल अभिक्रिया करते हैं NaOH से और क्या बनता है बच्चों, सोडियम फिनॉक्साइड। ये क्या बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड। अब जब सोडियम फिनॉक्साइड SN2 अटैक करता है एल्किल हैलाइड पर, ठीक है ये SN2 अटैक होता है बच्चा, एक ही स्टेप में फिनॉक्साइड आयन जो है वो एल्किल समूह पर अटैक करेगा और उसी स्टेप में हैलाइड आयन निकलेगा तो हमें क्या प्राप्त होता है, एल्काइल एराइल ईथर, एल्काइल एराइल ईथर प्राप्त होते हैं। इसको एक उदाहरण के द्वारा अगर समझा जाए तो ये फिनॉल है और बच्चों जब फिनॉल देखिए पहले स्टेप में NaOH से अभिक्रिया कर रहा है तो देखिए क्या बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा,
आपकी समझ के लिए हम अभिक्रिया को तोड़ के लिख रहे हैं। देखिए सोडियम फिनोक्साइड बन जाएगा और देखिए ये एल्किल हैलाइड है, तीन कार्बन है हमारे पास, ठीक। इसको मैं मिटा देती हूं, ठीक। आयोडाइड है, ये देखिए इस पर अटैक करेगा यहां पर और ये निकल जाएगा, ठीक। इस तरह से एल्काइल एराइल ईथर हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, और बच्चों अभी जो पीछे आपने अभिक्रिया देखी है तो वे अभी तक जो अभिक्रियाएं आपने फिनॉल की पढ़ी वो बेंजीन रिंग पर लगे OH समूह की अभी अभिक्रियाएं आपने पढ़ी हैं, और ऐसी तमाम अभिक्रियाएं हम पढ़ चुके हैं जिसमें यह OH समूह न्यूक्लियोफाइल की भांति व्यवहार करता है एल्कोहलों के साथ भी। अब हम फिनॉल की वे अभिक्रियाएं पढ़ेंगे जो बेंजीन रिंग पर होती हैं। तो बेटा बेंजीन रिंग पर जो होने वाली अभिक्रियाएं हैं फिनॉलों में वो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। इंग्लिश में इन्हें कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चों क्योंकि बेंजीन रिंग जो होती है वो इलेक्ट्रॉन रिच होती है, तो इससे कौन जुड़ना चाहेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, तो इनसे जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो जुड़ना चाहते हैं। अब जब हम बेंजीन पर OH समूह लगाते थे हैं तो बच्चों आप देखते हैं कि यहां ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बेंजीन रिंग को मीजोमेरिक प्रभाव के द्वारा ये इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, यानी कि जो ये जो OH समूह है ये इलेक्ट्रॉन दाता की भांति व्यवहार करता है और मीजोमेरिक प्रभाव के द्वारा अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को देता है और इसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए और सक्रिय कर देता है, अर्थात एक्टिवेट कर देता है। यहां पे मैं आपको एक बात और बता दूं बच्चों, वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, बच्चों ये जो टू और सिक्स पोजीशन होती हैं ये ऑर्थो पोजीशन कहलाती हैं, थ्री और फाइव पोजीशन मेटा पोजीशन कहलाती हैं, और फोर पोजीशन जो होती है वो पैरा पोजीशन कहलाती है। यहां आप देख सकते हैं विभिन्न अनुनादी संरचनाओं में जो टू फोर और सिक्स पोजीशन है वहां पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो थ्री और फाइव पोजीशन की अपेक्षा ज्यादा होती है, अर्थात जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल होगा वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाके जुड़ता है। तो फिनॉल का जो OH समूह है इसे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग समूह भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाएं, और इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं नाइट्रीकरण। तो जब निम्न ताप पर 298 केल्विन ताप पर तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ फिनॉल की अभिक्रिया कराई जाती है तो बच्चों हमें ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल का मिश्रण प्राप्त होता है, और इन दोनों समावयवियों को वाष्पीय आश्वन अर्थात स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा पृथक किया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो बच्चों ये संरचना है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की और ये पैरा नाइट्रोफिनॉल की, और यहां हम देखते हैं कि पैरा नाइट्रोफिनॉल में अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है, जिससे इसको कहते हैं जिससे क्या होते हैं कि पैरा नाइट्रोफिनॉल के जो अणु हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, इसके लिए शब्द यूज किया गया है संगुणित हो जाते हैं, यानी कि एक साथ अणु जुड़ जाते हैं अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंध के द्वारा। इस कारण इसके जो कथनांक होते हैं अर्थात बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो उच्च हो जाता है, इसका जो बीपी है बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या हो जाता है, हाई होता है, ठीक। लेकिन अगर हम बात करें ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में आंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है, अर्थात एक ही अणु में हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है, तो इसके जो अणु हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते हैं, और इनका जो कथनांक होता है अर्थात इनका जो बीपी होता है बॉइलिंग पॉइंट वो क्या होता है, लो होता है, और इनका क्वथनांक कम होने का कारण इन्हें
भाप के द्वारा वाष्पित किया जा सकता है। और ये प्रश्न बेटा बहुत बोर्ड परीक्षा में आता है कि पैरानाइट्रोफिनॉल का क्वथनांक जो है वो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की अपेक्षा अधिक क्यों होता है। तो इस संरचना के द्वारा आप इस संरचना को बनाना सीखेंगे, वहां ये बनाने को भी आएगा, तो इसको बनाना अच्छे से सीख लीजिए और इसका अंतर भी सीख लीजिए, क्योंकि पैरानाइट्रोफिनॉल में अंतराणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है जबकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में आंतर आणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। इस कारण ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है अर्थात क्वथनांक है वो पैरा की अपेक्षा कम होता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और नाइट्रीकरण अभिक्रिया को ही देखते हैं। तो जो बच्चों फिनॉल अभिक्रिया करता है सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ तो हमें 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल प्राप्त होता है और इसको हम पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं। हम पढ़ चुके हैं इसको बच्चों, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह लगे हुए हैं इसलिए फिनॉल की जो अम्लता होती है वो बढ़ जाती है। लेकिन बच्चों इस अभिक्रिया से जो पिक्रिक अम्ल की लब्धि अर्थात यील्ड होती है वो काफी कम होती है। तो इसके लिए हम एक दूसरा मेथड यूज करते हैं, एक दूसरा तरीका उपयोग में लाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं उसमें फिनॉल की अभिक्रिया हम क्या कराते हैं, सांद्र H2SO4 से कराते हैं जिससे हमें फिनॉल 2,4-डाइसल्फोनिक अम्ल मिलता है। और उस फिनॉल 2,4-डाइसल्फोनिक अम्ल की अभिक्रिया जब हम सांद्र HNO3 अर्थात नाइट्रिक अम्ल से करा देते हैं तो हमें 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल प्राप्त हो जाता है। और इस विधि से जो हमें ये पिक्रिक अम्ल अर्थात 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल प्राप्त होता है वो अच्छी यील्ड में, अच्छी लब्धि में प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हैलोजनन अभिक्रियाएं। ठीक है, तो बच्चों जब फिनॉल अभिक्रिया करता है ब्रोमीन जल के साथ तो देखिए एक हमें ट्राई ब्रोमो उत्पाद प्राप्त होता है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल प्राप्त हो जाता है। बच्चों आपको याद होगा कक्षा 11 में जब आपने पढ़ा था बेंजीन अभिक्रिया करती है ब्रोमीन के साथ तो बच्चों ये अभिक्रिया एक लुईस अम्ल की उपस्थिति में होती है FeBr3। और FeBr3 क्या करता है, हैलोजन के अणु को ध्रुवित करता है और Br+ आयन बनाता है, यानी कि ब्रोमीन को एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल बनाता है, तब जाके कहीं ब्रोमीन अटैक कर पाती है बेंजीन रिंग पर। लेकिन यहां पे देखिए फिनॉल सीधे सीधे ब्रोमीन से अभिक्रिया कर ले रहा है, कैसे, क्योंकि यहां पे जो होता है ये जो OH समूह है ये बेंजीन रिंग का सक्रियण कर देता है अर्थात एक्टिवेट कर देता है इसको अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देकर, जिसके कारण ये ब्रोमीन से सीधे सीधे अभिक्रिया करके ट्राई ब्रोमो उत्पाद बनाता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों जब फिनॉल अभिक्रिया करता है ब्रोमीन से अब हम क्या कर रहे हैं, कोई कम पोलर सॉल्वेंट लेते हैं, चाहे कार्बन डाइसल्फाइड ले लें या क्लोरोफॉर्म ले लें, ये कम ध्रुवीय विलायक हैं। और यह अभिक्रिया जब हम निम्न ताप पर कराते हैं तो देखिए हमें मोनोब्रोमो उत्पाद मिलते हैं, ऑर्थोब्रोमोफिनॉल बनता है और पैराब्रोमोफिनॉल बनता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पैराब्रोमोफिनॉल है ये मुख्य उत्पाद बनता है। क्यों मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा, क्योंकि देखिए जो ये जो पैरा पोजीशन है ये लीस्ट हिंडर्ड है, यहाँ पे कोई और दूसरा समूह नहीं लगा हुआ है जो प्रतिकर्षण कर पाए। लेकिन यहाँ ऑर्थो पोजीशन में देखिए इसके बगल में ही OH समूह लगा होता है जिसके कारण इन दोनों समूहों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। इसलिए जो ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल है वो अल्प उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है और पैरा ब्रोमोफिनॉल मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कोलबे अभिक्रिया, नाम अभिक्रिया है इसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो बच्चों जब फिनॉल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। और ये जो फिनॉक्साइड आयन होता है बच्चों ये फिनॉल की अपेक्षा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए अधिक क्रियाशील होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन पे सीधे सीधे निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो या एक दुर्बल इलेक्ट्रोफाइल
कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देकर के 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल बनाता है और इसको हम सैलिसिलिक अम्ल भी कहते हैं। बच्चों सैलिसिलिक अम्ल बहुत इम्पॉर्टेंट यौगिक है, इससे एक औषधि बनती है, इसके एस्टरीकरण अभिक्रिया कराई दी जाती है तो इस OH समूह का एसिटिलन हो जाता है और एक एस्प्रिन नामक औषधि बनती है जो जिसको आप डिस्प्रिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं राइमर टीमन अभिक्रिया। ठीक है, तो बच्चों जब फिनॉल अभिक्रिया करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से तो बेंजीन रिंग की ऑर्थो स्थिति पर CHO जो समूह है ये प्रवेश कर जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इस अभिक्रिया को राइमर टीमन अभिक्रिया कहते हैं। प्रतिस्थापी मध्यवर्ती बेंजील क्लोराइड जो हमें यहाँ पे प्राप्त होता है उसका NaOH यानी क्षार की उपस्थिति में क्या हो जाता है, अपघटन हो जाता है और अभिक्रिया के अंत में हमें सेल सेल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और राइमर टीमन अभिक्रिया ही देखते हैं। तो बच्चों जब फिनॉल अभिक्रिया करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ अभिक्रिया करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में तो हमें क्या प्राप्त होता है, 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल अर्थात सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। बच्चों अभी आपने अभिक्रिया देखी, जब यही अभिक्रिया फिनॉल कर रहा था सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से तो हमें सेल्डिहाइड मिला था, लेकिन जब यह अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में होती है कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ तो हमें सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिनॉल की अभिक्रिया जिंक के साथ। तो बच्चों जब हम फिनॉल को जिंक के साथ गर्म करते हैं तो क्या हमें प्राप्त होता है, बेंजीन प्राप्त हो जाती है। और बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप इसको ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं फिनॉल का ऑक्सीकरण और देखिए फिनॉल क्रोमिक अम्ल के द्वारा ऑक्सीकृत होकर संयुग्मित डाइकीटोन बनाता है और इसको हम क्या कहते हैं, बेंजो क्यूनोन कहते हैं। तो बच्चों देखिए ये जब Na2Cr2 और O7 सोडियम डाइक्रोमेट अभिक्रिया करता है H2SO4 के साथ तो हमें प्राप्त होता है H2Cr2O7 और Na2SO4 और जब हम इसकी बच्चों जल से अभिक्रिया करा देते हैं तो हमें बनता है 2H2CrO4। ये क्रोमिक अम्ल है और इसके जब फिनॉल के साथ अभिक्रिया होती है तो हमें बेंजो क्यूनोन प्राप्त होता है। वायु की उपस्थिति में फिनॉल धीरे धीरे गहरे रंग के क्यूनोनों के मिश्रण में ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिनॉलों का अपचयन। तो बच्चों फिनॉल निकिल धातु की उपस्थिति में 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 20 वायुमंडलीय दाब पर अपचयित होकर साइक्लोहेक्सेनॉल बनाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कुछ अभ्यास प्रश्न करते हैं और देखते हैं कि आज जो हमने पढ़ा उसे हमने कितना सीखा। तो आपको ये बताना है निम्नलिखित यौगिकों में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए अर्थात इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के घटते क्रम में इन यौगिकों को आपको लगाना है। तो बच्चों ये तो बेंजीन है, यहाँ टॉलुइन है, CH3 ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्लोरीन जो होता है वो -I इफेक्ट के थ्रू बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचता है और +M इफेक्ट के थ्रू बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है, लेकिन यहाँ पर जो इसका -I इफेक्ट होता है वो ज्यादा होता है इसलिए ये स्लाइटली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। इसको हम लिख सकते हैं Slightly electron withdrawing. ठीक, और नाइट्रो तो स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता ही है बच्चों। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो सबसे तीव्रता से देगी वो टॉलुइन देगी
उसके बाद बेंजीन रिंग, उसके बाद क्लोरोबेंजीन और सबसे अंत में नाइट्रोबेंजीन। ठीक है बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहां पे आपको ये फिनॉल समूह दिख रहा है और आपको अभिक्रिया करानी है ब्रोमीन और CCl4 में अभिक्रिया हो रही है बच्चों, मोनोब्रोमो उत्पाद बनेगा यहां पर। और यहां पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि OH समूह जो होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, यहां दोनों ऑर्थो पोजिशन जो है वो हमारी भरी हुई है, तो ब्रोमीन कहां आएगी, पैरा पोजिशन पे। तो देखिए बच्चों यहां पे ब्रोमीन यहां आ जाएगी बच्चों और यहां पर CH2, ठीक है, इस तरीके का उत्पाद हमें प्राप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और इन अभिक्रियाओं के उत्पाद आपको लिखते हैं बच्चों। ये सोडियम बेंजीन सल्फोनेट है और जब इसे NaOH के साथ गर्म करते हैं तो आपको याद होगा सोडियम फिनोक्साइड बनता है और उसकी अम्ल से अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त हो जाता है, हमें फिनॉल प्राप्त होता है। ठीक है, यहां पे देखिए इनका जल अपघटन हो रहा है अम्ल की उपस्थिति में, तो देखिए बच्चों H प्लस और OH माइनस इस तरीके से अभिक्रिया होती है, आपको याद होगा, तो क्या बन जाता है, फिनॉल प्राप्त होगा और MgOHBr बनता है। ठीक है, यहां पे सोडा लाइम की उपस्थिति में डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है, CO2 निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, हमारा बेंजीन रिंग बन जाएगी। और देखिए ये प्राथमिक एरोमेटिक एमीन जब अभिक्रिया करते हैं NaNO2 और HCl से तो आपको याद होगा डाइजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है बच्चों, और उस डाइजोनियम क्लोराइड की जब गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हमें फिनॉल प्राप्त होता है और यह फिनॉल को बनाने की प्रयोगशाला विधि भी थी बच्चों। तो यहां पे फिनॉल प्राप्त होता है। ठीक, देख लीजिए आप इसे अच्छी तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं और यहां पे आपको निम्नलिखित अभिक्रियाओं में बनने वाले उत्पादों की संरचना बतानी है। थ्री मेथिल फिनॉल का मोनोनाइट्रेशन हो रहा है, तो देखिए बच्चों थ्री मेथिल फिनॉल की संरचना पहले तो हम बना लेते हैं। ये हमारा थ्री मेथिल फिनॉल है और इसका मोनोनाइट्रेशन होता है, ऑर्थो पे हो सकता है और पैरा पे हो सकता है। बेटा यहां वाली जो ऑर्थो पोजीशन होगी यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा क्योंकि इधर OH है और एक इधर CH3 है, तो इस ऑर्थो पर मोनोनाइट्रेशन हो सकता है और यहां पैरा पर भी हो सकता है। ठीक है, यहां पर नहीं होगा। तो देखिए इसको अगर सॉल्व करें तो यहां पे OH CH3 NO2 और OH CH3 और NO2 ये बनता है। ठीक है, अगर इनका डाइनाइट्रीकरण हो रहा है तो बेटा देखिए दोनों तरफ लग जाएगा, ऑर्थो और पैरा दोनों पर, OH CH3 यहां पे NO2 लग जाएगा और पैरा पोजीशन पे भी NO2 लग जाएगा। और देखिए फेनिल एथेनोएट का तो पहले आप संरचना बना लीजिए, गा OCOCH3, ये फेनिल एथेनोएट का संरचना है और इसका मोनोनाइट्रीकरण करा रहे हैं। तो बच्चों ये जो है थोड़ा भारी ग्रुप है, बल्की ग्रुप है, तो अगर मोनोनाइट्रीकरण कराएंगे और ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है बच्चों, तो ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो नहीं आएगा क्योंकि ये समूह बल्की है, सिर्फ पैरा पे ही नाइट्रो आएगा, तो इस तरीके से नाइट्रीकरण इसका होगा। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं और बच्चों ये आपका गृह कार्य है, यहां पे आपको निम्नलिखित अभिक्रियाओं के समीकरण देने हैं। ये नाम दोनों अभिक्रियाएं आपने पढ़ी हैं, राइमर टीमन अभिक्रिया और कोलबे अभिक्रिया। प्रश्न दो है कि आर्थो तथा पैरा नाइट्रोफिनॉल के मिश्रण का भाप आसवन द्वारा पृथक करने में भाप वाष्पशील समावयवी का नाम आपको बताना है, अर्थात आपको वह समावयवी बताना है जो भाप द्वारा जल्दी वाष्पशील हो जाएगा, अर्थात जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। और यहां पे इन अभिक्रियाओं में आपको कौन सा अभिकर्मक प्रयोग किया जाए यह बताना है। तो बच्चों आज हमने
औद्योगिक रूप से जो महत्वपूर्ण एल्कोहल हैं उनका अध्ययन किया, हमने आइडोफॉर्म अभिक्रिया का अध्ययन किया और हमने फिनॉल की महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया है। बच्चों यहीं पर एल्कोहल और फिनॉल खत्म होते हैं, अगले व्याख्यान में हम ईथर का अध्ययन करेंगे। तो मेरा आपसे आग्रह है आप अपनी रसायन विज्ञान भाग दो की पुस्तक से आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे जिससे आपको अगला व्याख्यान अच्छी तरीके से समझ में आए और आज जो मैंने पढ़ाया है उसे लिख लिख कर अभ्यास करेंगे। मैं आशा करती हूँ आज का व्याख्यान आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।